Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Fa. Fa. Jim. Jim, jim, ha, ha, kha, kha, dal, dal, ral, ral, ra, ra, za, za, sin. Sin, Sheen, Sheen, Sod, Sod, Bod, Bod, Ta, Ta, Va, Va, Ain, Ain, Ghain, Ghain. Fa, fa, qaf, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, hamzah, ya, ya. ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो पिछली वीडियोस थी, दो वीडियो वो डिलीट हो चुकी है, इसलिए ये बनाना पड़ रहा है। और सबक जो है, सबक तख्ती नंबर 7 में है, लेकिन मैंने ये वीडियो बना दी ताकि दिक्कत ना हो। कुछ भाई लोग कह रहे थे कि वीडियो कुछ डिलीट हो गई है, इसलिए ये बनाना पड़ रहा है। लेकिन आज हम तख्ती नंबर 7 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पिछली वीडियोस में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको देखेंगे और समझेंगे उसी को। तो चलिए शुरू करते हैं तख्ती नंबर 1 से। देखिए, तख्ती नंबर 1 मुफरदात, ये मुफरद की जमा है, यानी प्लुरल है। ये मुफरद है, ये मुफरद है, ये मुफरद है, तो तमाम मुफरदात, ये तमाम जमा हो गए, तो ये क्या हो गया? मुफरदात। तख्ती नंबर 1 मुफरदात है। अलग अलग हर्फ को, अलग अलग हुरूफ को मुफरदात कहते हैं, ठीक है। अब ये तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। देखिए, मुरक्कबात मिले हुए हर्फ को क्या कहते हैं? मुरक्कबात कहते हैं। ये एक हर्फ है, ये एक हर्फ है, दोनों मिले हुए हैं, तो ये मुरक्कब हैं, ये मुरक्कब हैं। तो ये एक मुरक्कब है, ये एक मुरक्कब है, ये एक मुरक्कब है। देखिए, दो दो हर्फ मिले हुए हैं, एक काफ है, एक बा है, तो दो हरूफ मिले हुए हैं, तो ये मुरक्कब है। तो एक मुरक्कब नहीं है, बहुत सारे मुरक्कब हैं, तो ये मुरक्कबात। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात, ये सारे मुरक्कबात है। इसको सिर्फ पहचानना है, इस पर ज़बर ज़र पेश कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं तख्ती नंबर 3 हरकात। हरकात ज़बर ज़ेर, देखिए लिखा हुआ है, ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकात कहते हैं, यानी ज़बर को हरकत, ज़ेर को हरकत, पेश को हरकत, और तीनों जमा हो गए, तो क्या हो गया? ये प्लुरल हो गया, जमा हो गया, तो हरकात। तो ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकात कहते हैं। ज़बर को हरकत, ज़ेर को हरकत, पेश को हरकत, हरकत कहते हैं इनको, तो इसलिए ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं, ये प्लुरल है। और आगे लिखा हुआ है, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जैसा कि हमने पढ़ाया है पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे दरोसा, दरोसा नहीं खींचना है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है। वदा, वदा, ये तख्ती नंबर 3 ही में शामिल है, ये सब तख्ती नंबर 3 ही में शामिल है। तख्ती नंबर 4, अब देखिए तख्ती नंबर 3 में एक और बात कि अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ हमेशा खाली होता है,
और जो अलिफ खाली ना हो वो क्या है, हमज़ा है। अब देखिए यहाँ ये अलिफ जो है खाली है, ये खाली नहीं है, इस पर ज़बर है, तो ये अलिफ है ही नहीं, ये हमज़ा है। ये बात ध्यान में रखें कि जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है, ये हमज़ा है, इसको अलिफ नहीं कहेंगे, ये हमज़ा है। ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी आ गया तो वो अलिफ नहीं रहा, वो हमज़ा हो जाता है, वो ये हमज़ा है। लेकिन ये क्या है, ये अलिफ है, ये अलिफ है, इस पर कुछ भी नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है, तो ये अलिफ है लेकिन ये हमज़ा है। अब तख्ती नंबर चार, हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा तीन है, अलिफ या वाव। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा है कि हरूफ मद्दा तीन है, अलिफ या वाव। इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। लेकिन हरूफ मद्दा कब होगा, अब देखें, अब इसके साथ शर्त है। क्या शर्त है, कि अलिफ से पहले ज़बर हो, अलिफ से पहले ज़बर हो, या से पहले ज़ेर हो, वाव से पहले पेश हो। देखिए यहाँ अलिफ है, हमने बताया था कि अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। तो देखिए ये अलिफ है, ये खाली है, इस पर ज़बर ज़ेर कुछ भी नहीं है, तो ये खाली है, तो ये अलिफ है। अलिफ से पहले वाले हर्फ पर क्या है, ज़बर है, तो अलिफ से पहले ज़बर हो, तो ये अलिफ मद्दा हुआ। देखिए ये अलिफ है, तो अलिफ से पहले बा पर क्या है, ज़बर है, तो ये अलिफ मद्दा हुआ। इसी तरह तमाम हरूफ में आप देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, इनको थोड़ा खींच कर पढ़े। तो ज़ाद खौफ, ज़ाद खौफ, इसी तरह ये हरूफ मद्दा है। देखिए या से पहले ज़ेर हो, हमने पढ़ा था, देखिए या साकिन से पहले ज़ेर है, या साकिन से पहले ज़ेर है, या साकिन से पहले ज़ेर है। देखिए या साकिन से पहले दार के नीचे क्या है, ज़ेर है, या साकिन से पहले नून के नीचे ज़ेर है, या साकिन से पहले फा के नीचे क्या है, ज़ेर है। तो थोड़ा खींच कर पढ़ें, दीनी दीनी। आप पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ से। इसी तरह वाव से पहले क्या हो, पेश हो, हम पढ़ चुके हैं वाव से पहले पेश हो। तो देखिए यहाँ वाव साकिन है, उससे पहले क्या है, पेश है, तो ये वाव मद्दा, ये या मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा। नूहू, खींच कर पढ़ना है, नूहू। तूरू, तूबू, तूबू, दोनों में वाव मद्दा है। अब देखिए खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश। अब देखिए इन तीनों को भी हरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। देखिए जैसे आ आ बा ता सा जा ई बी ती, थोड़ा खींच कर पढ़े, ठीक है। आदम, आमन, मालिकी, ईलाफी, 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 बिही, 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 हम पढ़ चुके हैं ये सब। देखिए अब तख्ती नंबर पाँच, हरूफ लीन। हरूफ लीन दो हैं, वाव या। हरूफ मद्दा तीन थे, अलिफ या वाव, अलिफ वाव या, लेकिन इसमें अलिफ नहीं है, वाव और या है, ठीक है। हरूफ लीन दो हैं, वाव या। हरूफ मद्दा के लिए क्या शरारत है, कि हरूफ मद्दा तीन है, अलिफ या वाव, अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव से पहले पेश हो, या से पहले क्या हो, ज़ेर हो। लेकिन हरूफ लीन में क्या है, वाव साकिन से पहले ज़बर हो, या साकिन से भी पहले ज़बर हो। देखिए वाव साकिन से पहले ज़बर है, औ बऊ, औफी, औफी, हौल। अब देखिए तख्ती नंबर क्या, हाँ, या साकिन से पहले भी ज़बर है, या साकिन से भी पहले क्या है, ज़बर है। तो क्या है, ये लीन, लीन में से, ये मद्दा नहीं कहेंगे इसलिए, या मद्दा नहीं कह सकते हैं इसलिए कि या से पहले क्या है, ज़ेर नहीं है, या से पहले ज़बर है, तो या लीन कहेंगे, मद्दा नहीं कह सकते इसे, ठीक है। तो ऐन, सैफ, अब वही, ठीक है। अब तख्ती नंबर छः, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखें बा ज़बर, बा खड़ा ज़बर, बा, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। किस चीज़ में बराबर हैं, खींचने में बराबर, बराबर खींचेंगे इसको, यानी बा 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 बा, दोनों के एक बराबर।
और बा जेर बी, बा खड़ी जेर बी, इन दोनों को सेम नहीं खींच सकते, इसको नहीं खींचना है, इसको तो खींचना ही नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा तख्ती नंबर 3 में कि जबर जेर पेश को थोड़ा भी ना खींचे, तो ये जेर है, लेकिन खड़ी जेर को थोड़ा खींच कर पढ़ना है, जैसा कि हमने पढ़ा। तो ये दोनों को हम बराबर कह सकते हैं कि दोनों बराबर हैं खींचने के मामले में। बा खड़ी जेर बी, बा या जेर बी, बी 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 बी, ठीक है, बा बा, ठीक है। तो ये इसका भी हम मश्क कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे, इसकी मश्क करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।